बंगाल की कौशल दी कह रही है, कौशल दादी जो यहाँ बैठी है वो मुझसे कह रही है कि बेटा हम नहीं डरेंगे। उस दिन शाहीन बाग में मैं था जिस दिन एक नाबालिग जो है कहने के लिए नाबालिग कट्टा लेकर के आया था, गोली चला रहा था। जब चैनल वालों ने दादी से कहा कि दादी कोई आया है कट्टा लेकर के मारने, आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा उससे कह दो आए, मेरा सीना खुला है, गोली मार देंगे, आप बैठे हैं यहाँ तो नहीं। लेकिन बस इतनी आपसे गुजारिश है मुरादाबाद वालों, मैंने कहा ना कि अपने हाथों में रत्ती भर भी एक कंकर मत उठाना, बिल्कुल मत उठाना। मौलाना आजाद साहब कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, एक आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों ने अपनी फौज लगा रखी थी, पुलिस लगा रखी थी, ये कह दिया था कि यहाँ से हिंदुस्तानी आगे नहीं जा सकते। मौलाना आजाद ने अपने 5 साथियों से कहा कि उठो और आगे बढ़ो, वो 5 आगे बढ़े, अंग्रेज पुलिस ने इतनी लाठियां मारी कि उन्हें जमीन पर लिटा दिया मार मार के। जितने आंदोलनकारी बैठे थे वो सब देखते रहे, चाहते तो उठ करके पुलिस से लड़ सकते थे, लेकिन उन आंदोलनकारियों ने उठ नहीं किया। जब वो 5 जमीन में लेट गए तो मौलाना आजाद ने फिर 5 से कहा कि उठो आगे बढ़ो, फिर 5 लोग आगे बढ़े, ये सिलसिला चलता रहा। एक लंदन का बड़ा ऑफिसर जो है पुलिस का, वो ये मंजर देख रहा था, उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने पुलिस के डंडे पकड़ लिया और कहा नहीं, इधर जो साथी मेरे भाई इधर देखिए, उधर क्यों देख रहे हैं, अगर इतना भी आप संयमित नहीं हो पाएंगे, इतना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो इस लंबी लड़ाई को कैसे लड़ पाओगे। मेरे भाई तुम सबको लड़ना पड़ेगा, जज्बात से काम लेने की जरूरत नहीं है, अरे तुम तो सब्र से काम। मैं इस बच्चे देखिए एक चीज जान लीजिए, मैं मीडिया के साथियों से भी कहूंगा, आप खुद देखिए कि आज लाखों की तादाद में यहाँ पे माएं बहने भाई बंधु सब उभर के आए हैं, इनके जज्बे का सलाम करते हुए इस आंदोलन की खूबसूरती आप दुनिया को दिखाइए, कितने सलीके से ये एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इधर खातून एक माँ जो अपने बच्चे को महफूज करने का सबसे पहले ख्याल लाती है दिल में, वो माँ भी मुझसे कह रही है कि जाओ और खड़े हो जाओ। मेरे भाई ये आंदोलन इसलिए बड़ा है, मैं आज आपसे ये कहने आया हूँ, मैं आज आपको समर्थन देने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं बहुत पहले से चाहता था कि जो शाहीन बाग दिल्ली से शुरू हुआ, जो शाहीन बाग पटना के सब्जी बाग से शुरू हुआ, जो शाहीन बाग गया के शांति बाग से शुरू हुआ, जो जो राशन बाग जो है वो शाहीन बाग बन गया इलाहाबाद का।